डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप मिश्रा, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। आजकल मैं आपको समय दूरी से संबंधित बात कर रहा हूँ और उसके वीडियोस आप देख रहे होंगे, तो समय और दूरी का संबंध क्या हो रहा है उसी पर आधारित हम कुछ प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। समय दूरी संबंध के जब आप सवाल देखोगे तो उसमें तीन प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तीन प्रकार का मतलब, एक तो समय दूरी पर ही बन जाता है, एक स्पेशली रेलगाड़ी पर आधारित सवाल बन जाता है, और एक देखोगे आप तो नाव धारा से संबंधित सवाल बन जाता है। दोनों तरह के, तीनों तरह के सवाल बन सकते हैं और उन तीनों तरह में भी कई कई तरह के सवाल बन सकते हैं। तो समय दूरी पर हमने कुछ सवाल आपके सामने दिए, वो कुछ बेसिक सवाल हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, और आगे चलकर तो हम ढेर सारे सवाल डालेंगे अलग बात हो गई। पहले हम एक एक करके हर टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करते जा रहे हैं, तो आप वीडियोज़ देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और हमें बताते रहिए कि आप कैसा उसमें रिस्पॉन्स फील कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो एक शेयर है, जो मेरे पास जानकारी है, उस जानकारी को जब हम आपसे शेयर करेंगे तो आप कहोगे कि अपने बारे में क्या कह रहे हैं। एक लड़का मुझे मिला, उसका छोटा भाई बीटेक कर रहा है, उसने बताया कि मेरे भाई ने आपका वीडियो देख करके जो मैथमेटिक्स तैयार किया है वो हैरान है उसको देख करके कि यार इसको इतने छोटे छोटे तरीके से कैसे सवाल लगा पा रहा है। जब उसने पूछा दूसरे भाई ने तो उसने कहा कि मैंने सारे वीडियोज़ देख रखे हैं। अब आप सोच सकते हो मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी बात शेयर कर आपसे, और अगर आपने लगाया होगा तो आप खुद इस बात को फील कर रहे होंगे, तो खुद देखिए और शेयर करिए। आइए हम लोग बात करते हैं, आज रेलगाड़ी से संबंधित बात करते हैं। ट्रेन देखा जाएगा कि रेलगाड़ी के सवाल कैसे बन सकते हैं। रेलगाड़ी ट्रेन है, ट्रेन की बात खास क्या है कि ट्रेन लंबी बहुत होती है, जैसे स्कूटर जा रहा होता है या आदमी जा रहा होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन ट्रेन लंबी होती है, लॉन्ग डिस्टेंस भी तय करती है और किसी खंभे वंबे पार करने में ज़्यादा टाइम भी लगता है उसको। तो मैंने पिछली बार आपको एक बात बताई थी कि मान लीजिए ट्रेन किसी खंभे को पार करती है, तो खंभे को पार करते समय ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलती है, और जब वही ट्रेन किसी लंबी वस्तु को पार करती है, चाहे किसी रेलगाड़ी को, चाहे प्लेटफार्म को या किसी सुरंग को पार करती है, तो अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम एक एक करके हम सवाल लेते जा रहे हैं, आप उसको देखिए कि हम कितने छोटे छोटे सवाल ले रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। ट्रेन पर एक सवाल मैं ले रहा हूं कि मान लीजिए एक ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। क्लियर हो रहा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है रेलगाड़ी, 600 मीटर लंबी है, कुछ ज़्यादा लंबी हो गई ना, एक खंभे को कितना समय में पार करेगी। आप बताओ खंभा पार करने के लिए रेलगाड़ी कितना चलना पड़ेगा? 600 मीटर चलना पड़ेगा। हमसे समय पूछा गया, हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो बताओ दूरी तो हमें कन्फर्म है 600 मीटर चलना पड़ेगा, चाल क्या है 72, भाई 72 तो किलोमीटर प्रति घंटा है और ये क्या है मीटर पर सेकंड, मीटर है ये, तो हमें 72 को मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। अगर आपको वो टेबल याद हो जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था तो आप याद कर सकते हो 72 का मतलब क्या था, 20 मीटर पर सेकंड। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ 20 मीटर पर सेकंड से भाग दे दें ऐसे, क्योंकि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को जब आप 5/18 करोगे तो 18 चौके 72, 4/5 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो आप 20 से भाग दोगे तो कितने आराम से आपका उत्तर आ जाएगा, 30 सेकंड आपका उत्तर आ गया, यानी 30 सेकंड लगेगा, अर्थात आधा मिनट लग जाएगा उस रेलगाड़ी को वह मतलब खंभा पार करने में। छोटा सवाल था लेकिन समझ में आया। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। मान लीजिए यही रेलगाड़ी ऐसी जाए, चलिए एक सवाल लेते हैं कि मान लीजिए 200 मीटर एक रेलगाड़ी है, सॉरी ऐसे देखो एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में तथा एक खंभे को कितना ले ले 10 सेकंड में, 8 सेकंड ले लेता हूँ, एक खंभे को
8 सेकंड में पार करती, पार करती। इसमें दो चीज पूछा जा सकता है, तो रेल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, हाँ, तो ट्रेन की लंबाई तथा चाल बताइए। जरा सवाल समझिएगा, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक खंभे को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है और उसकी चाल क्या है। अच्छा बताओ, एक खंभे को जब ट्रेन पार कर रही होगी तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। मान लेता हूँ ट्रेन की लंबाई x है, लिख दें क्या आप समझ रहे हैं। मैंने मान लिया कि ट्रेन की लंबाई जो है, ट्रेन की लंबाई जो है मैंने मान लिया x मीटर है, तो बताओ x मीटर जाने में उसको समय कितना लग रहा है, 8 सेकेंड। चाल मिल गया, दूरी बटा समय। और जब वह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी तो उसे कितना चलना पड़ेगा, x प्लस 200 चलना पड़ेगा, और अब की बार कितना टाइम लग रहा, 20 सेकंड। बताइए, तो ये भी तो गाड़ी की चाल है, ये भी तो गाड़ी की चाल है, तो क्या दोनों बात बराबर है? अगर बराबर है तो x की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू चाहे इधर रख दो चाहे इधर रख दो। ठीक समझ पा रहे हैं? आइए काटा जाए, इसको छोटा कर लेता हूँ। 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 5x बराबर 2x प्लस कितना हुआ 400, 3x बराबर 400। तो थोड़ा सा फ्रैक्शन में वैल्यू है, 400/3 मीटर, ये है आपके x की लंबाई, यानी ये ट्रेन की लंबाई आ गई 400/3 मीटर। अब अगर पूछा जाए कि रेलगाड़ी की चाल क्या थी, तो चाल क्या होगा, हम इस वैल्यू को चाहे इधर रख देंगे और चाहे इधर रख देंगे, चलो यही छोटा ही रख देते हैं। तो ये हो जाएगा, x की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 400/3 और बटा 8, 8 है तो नीचे 8 आ जाएगा, लेकिन ये है मीटर पर सेकंड आएगा। अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 18/5 करेंगे, गुणा 18/5 करेंगे। अब काट दीजिए, चलो 8 × 5 = 40, 40 × 10 = 400 और 3 × 6 = 18, 6 × 10 = 60। आप देख रहे हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन की लंबाई, अरे चाल आ गई। एक बार फिर से सवाल देख लीजिए, बोर तो नहीं हो रहा। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर रही है तथा एक खंभे को 8 सेकंड में पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई तथा चाल बताइए। मैंने क्या किया, x मीटर, जब ट्रेन ने खंभे को पार किया होगा तो x मीटर चली होगी अपनी लंबाई के बराबर, 8 सेकंड में चली है, और जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करी होगी तो x प्लस 200 चलना पड़ा होगा उसको 20 सेकंड में। फिर इसको मैंने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू मतलब ट्रेन की लंबाई मिल गई हमको। अब ट्रेन की लंबाई मिल गई तो मैंने इस जगह पर रख दिया तो ट्रेन की चाल भी मिल गई। ठीक है भैया, अब चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। एक ट्रेन जा रही है, देखो एक सवाल लीजिए अगला। एक रेलगाड़ी जहां मैं लिख दूं कि 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, वह उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। सवाल देखिए बदल गया, कितने समय में पार करेगी। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, वह उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। और समझा जाए, एक ट्रेन जा रही है, इसकी लंबाई 400 मीटर की है, इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और जा रही है, इसी दिशा में एक और आदमी जा रहा है, उसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताओ ये रेलगाड़ी उस आदमी को कितने समय में पार करेगी। ये पूछा गया, समय पूछा गया, समय बराबर क्या होता, दूरी बटा चाल। बताओ ये रेलगाड़ी है, जब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो उसे कितना चलना पड़ेगा, अपनी लंबाई के बराबर, अपनी लंबाई क्या है
400 मीटर चलना पड़ेगा। अपान चाल क्या होगा, आप देखो दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगी, माइनस माइनस होकर कितना पहुंच जाएगी, 80 चाल इसकी है, 8 इसकी है, कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप क्या समझ सकते हो, 20 मीटर प्रति सेकंड है। आप 20 मीटर प्रति सेकंड से आप भाग दोगे तो कितना समय लग गया आपको, 20 सेकंड। कोई समस्या, 72 के लिए 20 समझ पाए, देखो 72 × 5/18, 18 × 72, 20 मीटर प्रति सेकंड, इसी 20 मीटर प्रति सेकंड से मैंने भाग दिया है तो आपको यह पता चल गया कि यह रेलगाड़ी इस व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, अब एक स्थिति ऐसी बन सकती को आदमी इधर आ रहा हो, एक सवाल और कर लेते हैं, देखिए इसी पे एक और सवाल करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से चला देते उसको, देखो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, लंबी रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, की चाल से जा रही है, वह अपने सामने से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, आप लोगों में से जिसकी मैं तैयार है वो सोच रहे होंगे कि क्या छोटे छोटे सवाल करवा रहे हैं। मैं बताऊं, इन छोटे छोटे सवालों से ही आपके बड़े सवाल बनेंगे, एक एक करके सब कुछ ध्यान से देखते जाइए, ये सवाल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है हमारी, 300 मीटर की, और इसकी चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये जा रही है, लेकिन आदमी जो आ रहा है इसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए जब ये इसको पार करेगी तो भैया जी इसको जाना कितना दूर पड़ेगा, 300 मीटर, जी हाँ, और चाल आपकी क्या हो जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गया, 48 + 6 कितना हो जाएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ 48 + 6 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को आप क्या समझते हो, 15 मीटर पर सेकेंड, करके दिखाऊं कि आपको याद आ रहा है, 5/18 करेंगे, 18 × 54 15 मीटर पर सेकेंड, तो आप 15 से इसे भाग दे देंगे, कितना समय लग गया, 20 सेकेंड, यानी यह ट्रेन इस आदमी को 20 सेकेंड में पार कर जाएगी। क्या एक ऐसे सवाल के बारे में आप सुने हैं कि एक आदमी जा रहा है और दो बंदे को पार करता है, और एक सवाल देखते हैं, मिटा रहा है इसको, उसी दिशा में दो आदमी जा रहे हैं, देखिए एक रेलगाड़ी गाड़ी चलते समय या यात्रा करते समय दो व्यक्तियों जो क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं उन्हें क्रमशः 9 तथा 10 सेकेंड में पार करती है। अब दो चीज़ें आप इसमें पता कर सकते हो, एक रेलगाड़ी जा रही है, वो दो व्यक्तियों जो उसी दिशा में जा रहे हैं उनकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दिशा में जा रहे हैं, उन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बता दो, रेलगाड़ी की लंबाई बता दो, दो बातें पूछी जा सकती हैं। चलो मैं पहले चाल पूछ लेता हूँ, तो ट्रेन की चाल बताओ, ट्रेन की चाल बताइए, चित्र बनाते हैं।
हम इसकी चाल को मान लेते x किलोमीटर प्रति घंटा ये जा रही है, ये आदमी जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आदमी जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमको ये नहीं पता इस ट्रेन की लंबाई क्या है, नहीं पता, लेकिन इतना जान लो ये 9 सेकंड में पार करता है, इसको इसको 10 सेकंड में पार करता है। आप जरा बताइए अगर इस आदमी की इसका को पार करेगी ट्रेन हमारी तो कितनी रफ्तार चलना पड़ेगा उसको, x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा चलना पड़ेगा तभी पार होगा। x माइनस 2 को अगर हम 5/18 कर दें तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और इतने मीटर पर सेकंड से अगर वो 9 सेकंड तक चल जाए तभी आदमी पार कर जाएगा। इसका मतलब ये ट्रेन की लंबाई हो गई, हो गई ट्रेन की लंबाई। देखो ऐसे ही उस आदमी जब पार करेगी तो x माइनस 4 की रफ्तार से चलेगी जो कि किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर पर सेकंड बनाओगे तो 5/18 करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड चाल हो गई, और 10 सेकंड तक चलेगी तभी आदमी पार हो जाएगा। तो ये भी तो ट्रेन की लंबाई हो गई, ये भी तो ट्रेन की लंबाई हो गई, दोनों तो बराबर है। अगर बराबर तो x की वैल्यू आई कि नहीं आई, देखो छोटा कर रहा हूँ इसे काट दे रहा हूँ, 9 का गुणा इधर कर लो, 9x माइनस 18 बराबर 10x माइनस 40, एक्स उधर ले जाए और 40 इधर लाएं, उत्तर आ गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ट्रेन की चाल आ गई। अगर इस x की वैल्यू में चाहे यहाँ रख दूँ और चाहे यहाँ रख दूँ तो मुझे ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। मैं करके दिखा दूँ आपको, मैं इस x की वैल्यू को यहाँ रख रहा हूँ तो अभी पता चल जाएगा ट्रेन की लंबाई क्या थी। x की जगह मैं 22 रखूँगा तो 22 में से 2 घटाएंगे तो 20 होगा, गुणा 5/18 होगा और गुणा 9 होगा, तो 9 दुना में 18 करोगे, 2 दहाई में 20 करोगे, 10 पचे 50 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई क्या आ गई 50 मीटर और ट्रेन की चाल आ गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा सवाल था, मज़ेदार था, एक ही दिशा में दोनों लोग जा रहे थे। आइए एक और सवाल पर चर्चा करते हैं। ट्रेन बहुत मज़ेदार सवाल बनते हैं इसके, सोचो जरा एक ट्रेन जाती है और बिना रुके उसके कुछ चाल अलग है, और अगर उसे स्टेशनों पर रोका जाए तो उसकी चाल कुछ और है, तब पूछा जाता है कि उस ट्रेन की प्रति घंटे वो कितने मिनट रुकती है। एक सवाल देखिए, एक ट्रेन बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा सकती है, परंतु यदि उसे बीच के स्टेशनों पर रोका जाए, उसे बार बार रोका जाए, जैसे पैसेंजर होती है एक्सप्रेस ट्रेन तो एक साथ चली जाती है और उसे बार बार स्टेशनों पर रोका जाए तो उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो इस पर सवाल बनता है कि उस ट्रेन को प्रति घंटे कितने मिनट रोका गया, उस ट्रेन को प्रति घंटे कितना देर रोका गया। सोचो ये सवाल आपके सामने है कि अगर उसे नहीं रोका जाए, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन की तरह उसे चलने दिया जाए, तब वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकती है, परंतु अगर उसे बीच बीच में रोक दिया जाएगा, यानी पैसेंजर की तरह चलाया जाएगा, तब वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जा पाएगी। तो प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, आपको क्या सोचना चाहिए कि सोचो कम कितना जा पाई, 90 उसकी चाल पहले थी लेकिन वो जा पा रही 72, इसका मतलब 18 कम जा पा रही है, 18 कम जा पा रही, क्यों कम जा पा रही, कि उसे रोक दिया गया, अगर नहीं रोका गया होता तो 18 चली गई होती, इसका मतलब 18 किलोमीटर जाने में जितना टाइम लगता होगा उतना टाइम उसे रोका गया है, तो बताओ 90 उसकी ओरिजिनल चाल है, 18 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, ये यही उसको समय लगता 18 किलोमीटर ना, इतना समय उसे रोका गया, लेकिन ये तो घंटा आएगा, इसे मिनट बना लिया जाए, गुणा 60 कर दो, 18 पचे 90, 5 से काट दो 12, यानी आप कह सकते हो 12 मिनट प्रति घंटा उस ट्रेन को रोक दिया गया, 12 मिनट प्रति घंटा, यानी उस ट्रेन को 12 मिनट प्रति घंटा रोक दिया गया,
बहुत मज़ेदार सवाल है, मौखिक सवाल हो रहा है। हम आपको आने वाले समय में अगले वीडियो में दिखाएंगे, जैसे किसी ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा। और मस्त रहिए, मज़ा लीजिए, खूब मेहनत करिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, है ना। सारे वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।